नमस्कार भोपाल सुन रहे सभी दोस्त, स्वीकार करें आपकी अपनी दोस्त हमीदा का प्यार भरा आदाब नमस्कार। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी जाएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। दोस्तों, जीने का मजा तब आता है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम सेहतमंद हो। तो क्यों ना आज हम बात सेहत की ही करें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का खुद ही लेखक होता है, और सच भी है। कहते हैं ना दोस्तों, स्वस्थ शरीर निरोगी काया जीवन का सबसे बड़ा सुख है। सुख सुविधाओं के कितने भी साधन हो, मगर यदि शरीर सेहतमंद ना हो तो उन सुविधाओं का आनंद नहीं लिया जा सकता। आजकल के दौर में हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी जीवन शैली ही कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ ना कुछ सेहत संबंधी तकलीफ रहती हैं। आजकल हर चीज़ में मिलावट भी हमारी सेहत पर असर डाल रही है। जल्दी जल्दी कमाने के चक्कर में फल अनाज सब्जियों को बोने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं जो कि हमारी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अब दोस्तों, इन सब्जी फलों को हम अपने घरों में तो नहीं उगा सकते, मगर हमारी दादी नानी के नुस्खों को तो हम अपना ही सकते हैं। जैसे पानी का सेवन अधिक से अधिक किया जाए। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के सब अंगों के ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिलते हैं। इससे शरीर में जमा विषैले पदार्थ भी निकल जाते हैं। खाली पेट सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी ना पिए बल्कि पानी पिए। दोस्तों, सुबह की सैर अच्छी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसलिए मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर जाएं, उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे हड्डियों तो मजबूत होती हैं, साथ ही वजन और तनाव भी कम होता है। सुबह सुबह पक्षियों की सुमधुर आवाजें ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके मूड को रोमानी कर देते हैं।